महीना शुरू होगा -2000 से। फिर आप काम करोगे करोगे करोगे, फिर आप 2000 जब कमा लोगे तब आपके अकाउंट में बैलेंस होगा जीरो। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इसका मतलब आप समझ रहे हो कि अगले 2-5 साल में ना आप एक भी महीना बीमार नहीं हो सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। जैसा कि आपने टाइटल से देख ही लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्या ऐसी चीजें हैं जो न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एकदम ब्रोक रखते हैं, न्यू कमर्स को, उनको पैसे नहीं बचाने देती। बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी इवन गेट इनटू द एक्चुअल वीडियो, एक छोटी सी बात समझो। कनाडा की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी टोटली अलग अलग चीजें, ठीक है? आप अभी इंडिया की इकोनॉमी से आ रहे हो, ये समझो कि आप एक टोटली डिफरेंट स्टाइल ऑफ इकोनॉमी में आ रहे हो। इंडिया की इकोनॉमी में क्या होता है, जो लेबर होता है, जो फिजिकल लेबर करता है, उसको शायद इतने पैसे ना मिले जितने एक ब्रेन वाली लेबर को, मतलब जो दिमाग लगा के काम करता है उसको मिले। अब जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा में क्या है, कनाडा में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो ब्लू कॉलर जॉब्स करते हैं, प्रॉब्ली अ कंस्ट्रक्शन वर्कर मेक्स मोर मनी देन अ बैंक में जो कैशियर बंदा है, ठीक है? तो दो एक टोटली डिफरेंट इकोनॉमीज है, इनके ऑपरेट करने का स्टाइल डिफरेंट है। अगर आप इंडिया की स्पेंडिंग हैबिट्स लेके कनाडा में सक्सेसफुल होने के बारे में सोचोगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको न्यू कल्चर, न्यू इकोनॉमी के हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट आवर पॉइंट नंबर वन। नंबर वन है बाइंग अ कार। बिफोर यू कम एट मी, देखो, इफ द कार इज हेल्पिंग यू मेक मोर मनी, प्लीज बाय अ कार। आपको अगर आपको गाड़ी से ज्यादा इनकम हो रही है, आपको गाड़ी कल ले लेनी चाहिए थी। तो यार मैं आपको बताता हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आई वर्क इन अ कार डीलरशिप। देखो 30% जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गाड़ी ले रहे हैं, वेरी गुड, नाइस, अपने समझदारी से ले रहे हैं, उनको इनकम ज्यादा हो रही है, उनको पता है मैं एक्स्ट्रा जॉब कर पाऊंगा, एक्स्ट्रा पैसे कमा पाऊंगा या कमा पाऊंगी, यार बाइंग अ कार, वेरी नाइस। लेकिन जो बाकी 70% है ना, सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी में गाड़ी ले रहे हैं कि भाई उसके पास है तो मैं भी लूंगा, उसके पास ये वाला ट्रिम है तो मेरे को इससे ऊपर वाला ही चाहिए, जितनी उनकी जरूरत है उससे ज्यादा की गाड़ी ले रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ही नॉर्मल आज के टाइम पे एक नई गाड़ी की जो पेमेंट्स बनती है, वो बनती है $250 to $300 बाय वीकली। इतना तो बेसिक बनेगा ही बनेगा, ठीक है? बाय वीकली मतलब क्या हो गया, एवरी 15 डेज। उसके बाद $200 महीने का इंश्योरेंस, उसके बाद $100-$200 का तो मिनिमम आप फ्यूल डलवाओगे डलवाओगे। अगर आप इसका टोटल करो, दिस इज ऑलमोस्ट $1000। उसके बाद आपको रेंट भी देना है, आपको खाना भी खाना है, बहुत सारी चीजें करनी है। गाड़ी होती है तो बंदा फिर ड्राइव थ्रू में भी जाता है, ठीक है? गाड़ी होती है तो बंदा कार वॉश में भी जाता है। तो ये सारे एक्सपेंसेस भी अगर मैं मान लूं, महीना शुरू होगा -2000 से। फिर आप काम करोगे करोगे करोगे, फिर आप 2000 जब कमा लोगे तब आपके अकाउंट में बैलेंस होगा जीरो। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कि आपका जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव में है गाड़ी लेते ही, कि भाई महीना स्टार्ट होते ही और मंथ स्टार्ट एट -2000। आप इतनी मेहनत करोगे तब जाके आप जीरो। तो आप यहाँ पे जीरो होने के लिए आए हो या फिर उससे जीरो से ऊपर होने के लिए आए हो? गाड़ी लेना कोई बुरी बात नहीं है, प्लीज अगर आपकी जरूरत है, इफ यू कैन अफोर्ड इट, प्लीज बाय अ कार, ठीक है? आई एम नोबडी टू टेल यू टू नॉट बाय अ कार। तो रियली नीड है, आपकी इनकम बढ़ रही है, या फिर बस हम तो राजा जी, हमें गाड़ी चाहिए, ठीक है? यार नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपेयरिंग योर लाइफ टू समवन जिसको यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे बंदा 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल से है, उसकी लाइफस्टाइल और आप जो 4 महीने हुए हैं उसकी लाइफस्टाइल को आप नहीं कंपेयर कर सकते। उस इंसान ने इतनी सारी चीजें देख ली, इतने पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से वो गो थ्रू हो चुका है कि आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। अब मेरा एग्जांपल लो, मैं एक हुंडई की गाड़ी चलाता हूँ, बहुत बेसिक गाड़ी है, ठीक है? कोई बहुत ज्यादा उसके अंदर फीचर नहीं है। क्या मैं अभी जाके मैं मर्सिडीज जीएलई नहीं ले सकता, नहीं फाइनेंस करा सकता $0 पे? मेरी पेमेंट में भी $400-$500 महीने के बढ़ जाएगी। Of course I can get any car I want, but that's not the point. कि मैं क्यों अपने आप को कंपैरिजन में डालूं कि यार वो तो यार मस्टैंग चला रहा है, वो तो मर्सिडीज चला रहा है, वो ये चला रहा है, वो जीप रैंगलर चला रहा है। जिन इमिग्रेंट्स को यू आर लुकिंग अप टू कि भाई ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका स्ट्रगलिंग फेस पास हो चुका है। अभी आप नए आए हो, अभी आप स्टूडेंट हो, डोंट फॉल इन टू दीज ट्रैप्स कि भाई मेरे को होड़ करनी है, मेरे को बराबरी करनी है। यू नेवर नो किसके घर से पैसा आ रहा है, कौन मांग मांग के काम चला रहा है, किसके क्या हाल है, यू डोंट नो। अरे ये तो धोती खोल रहा है, ठीक है? डोंट कंपेयर योर लाइफ, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उससे कम ही लो, ठीक है? खुश रहोगे। कुछ ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में अभी आना शुरू हुए हैं, जो यहाँ पे कई कई सालों से अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल $0 फाइनेंसिंग, कोई पैसे मत दो, मंथली पेमेंट्स बनवा लो और सामान ले जाओ। सामान जैसे कि फोन ले जाओ, टीवी ले जाओ, टेबल, चेयर, इनफैक्ट यू कैन इवन फाइनेंस अ पिज्जा नाउ। कैन यू इमेजिन? जो आप सोच सकते हो ना वो फाइनेंस हो सकता है। फाइनेंस होने का मतलब है कि मंथली पेमेंट बन जाएंगी कुछ सालों की, आप उसको धीरे धीरे देते रहो। ये चीजें अभी ना हमने इंडिया में नहीं देखी होती तो हमें इसका इम्प्लीकेशन नहीं समझ आता। यहाँ पे आके लगता है यार दिस इज वेरी इजी, $50 a month, $100 a month, या आई कैन डू इट। ऐसे करते करते आपकी इतनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी ली, 8 साल के लिए गाड़ी है, उसके बाद आपने टीवी फाइनेंस करा लिया, 2 साल का वो हो गया, थर्ड आपने कोई चीज फाइनेंस करा ली, करते करते आपके पास बहुत सारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बन गए मंथली लेवल पे। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि अगले 2-5 साल में ना आप एक भी महीना बीमार नहीं हो सकते। आप एक भी महीना ये नहीं बोल सकते कि मेरी जॉब चली गई, मेरे पास पैसे नहीं है। आपने चाहे एक भी पेमेंट ना मिस करियो, द मोमेंट यू मिस वन पेमेंट दे विल रुइन योर क्रेडिट स्कोर।
जो फाइनेंस कंपनीज है वो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन कर देगी, फ्यूचर में आप कुछ फाइनेंस नहीं कर पाओगे। किसके लिए? टीवी के लिए, फोन के लिए? कहां गए वो दिन जब हम कैश में सेव करते थे, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखते थे कि नहीं मैं सेव करूंगा फिर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल फोन लेने वाली बात है, फोन में कभी कभी इतनी अच्छी डील होती है कि 30-40% पे ऑफ पे फोन मिल जाता है या $5 में आईफोन मिल जाता है। श्योर दैट्स अ गुड डील, ले लो ठीक है, एज लॉन्ग एज इंटरेस्ट रेट 0% है। हैव सम कंट्रोल, पेशेंस, स्ट्रगलिंग फेज निकालो, उसके बाद आराम से ये सब चीजें ले लो। इस वीडियो का प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मिस्टेक दैट न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड न्यू इमिग्रेंट्स आर मेकिंग इज नॉट इन्वेस्टिंग इनफ इन योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस टाइम पे आईफोन है या एंड्रॉइड कोई भी फोन है, मिनिमम $1,000 का फोन है। अगर आप $1,000 का एक फोन अफोर्ड कर सकते हो ना, दैट मीन्स आप 200, 400, 500, $1,000 का अपने सर्टिफिकेशन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के सेक के लिए मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे आईफिक का सर्टिफिकेशन इट्स प्रॉब्ली $600 ठीक है। उसके बाद CSC है, कनेडियन सिक्योरिटी, दैट इज अराउंड $1,100 ठीक है। अगर आप ये सर्टिफिकेशन ग्रेजुएशन से पहले कर लोगे, आपको बैंक में बहुत इजिली जॉब मिल जाएगी एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर अभी मैं आपको बोलूं कि चलो कनेडियन सिक्योरिटीज कोर्स में एनरोल कर लो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, यू विल से मेरे पास $1,000 नहीं है। फिर वही वाली बात है कि हाउ डू यू हैव अ $40,000 कार बट यू डोंट हैव मनी टू डू सम सर्टिफिकेशंस, हाउ डज दैट वर्क राइट। प्लीज थोड़ा सा अपने अंदर इन्वेस्ट करो। कोई मेरे से पूछता है ना कि पीयूष भाई मेरे पास $300 में कौन सा स्टॉक लू, उसको बोलता भाई अभी स्टॉक मत ले, पहले तू अपने अपनी इनकम बढ़ाने वाली स्किल में इन्वेस्ट कर ले, पहले तू कोई कोर्स कर ले जो भी उसकी फील्ड है उसके हिसाब से, कि प्रॉब्ली डू दिस सर्टिफिकेशन, दिस इज गोना हेल्प यू मेक मोर मनी। व्हेन यू एंड अप मेकिंग मोर मनी श्योर स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको कनाडा में 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं एंड आप स्टिल मिनिमम वेज पे काम कर रहे हो और आपने लास्ट वीक एक भी जॉब अप्लाई नहीं करी जो मिनिमम वेज से ऊपर है, गेस हु इज टू ब्लेम? कनाडा बुरा नहीं है ठीक है, श्योर कनाडा हैज इट्स ओन अप्स एंड डाउन्स ठीक है, मार्केट अच्छी नहीं है, इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही इस टाइम पे, इट्स अ साइकिल ना, इकोनॉमी तो साइकिल्स में चलती है। अभी प्रॉब्ली द इकोनॉमी इज नॉट एट इट्स बेस्ट, इज दैट समथिंग दैट इज गोना स्टॉप यू फ्रॉम यू नो मेकिंग एन एफर्ट? यू शुड हेट वर्किंग फॉर मिनिमम वेज, ये मैं पहले वाली वीडियो में भी बोला अभी भी बोला। श्योर देयर विल ऑलवेज बी एन एक्सक्यूज कि इकोनॉमी अच्छी नहीं है, मैंने 50 जॉब अप्लाई कर ली, 100 कर ली, नहीं मिल रही, 100 और करो यार, 250 करो, 300 करो, आज मिलेगी कल नहीं मिलेगी, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कभी तो फंसेगी अच्छी जॉब, आपको पोर करते रहना कि जब तक आपको यस नहीं मिल रहा है। ऑल यू नीड इज वन यस आइडियली राइट। मैंने भी इतनी सारी जॉब अप्लाई करी, भी मेरी जो नई जॉब लगी उसके बारे में भी मैं प्रॉब्ली बहुत जल्दी बताऊंगा, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, आई होप यू गॉट द पॉइंट ठीक है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नई लर्निंग्स मिली होंगी, कुछ मोटिवेशन मिली होगी। कोई भी क्वेश्चन है प्लीज कॉमेंट्स में डालो, मेरे को मजा आता है कॉमेंट्स में लोगों से लड़ाई करने में। कोई भी आपका फीडबैक है कॉमेंट्स में डालो, आई विल फॉर श्योर ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू यू। थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे कुछ फन कॉमेडी चलती रहती है, इंस्टाग्राम पे मैंने चैनल भी बना रखा है जिसके अंदर कनाडा के बारे में फुल एंटरटेनमेंट चलता रहता है ब्रॉडकास्ट चैनल में। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन भी मिलती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।